क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 2 सात पाठ का नाम होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। माने आज हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, यह आपका है। कॉपी नहीं रही सबका ना, कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है पहले हम आपको एक बार जानकारी दे देते हैं, ठीक है। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे कि फर्स्ट में कि आवृत बीजी पौधा का होता है, तो बहुत ध्यान से लिखना बाबू, आवृत बीजी पौधा, ठीक है। दूसरा आपका होगा पुष्प के बारे में आपको पढ़ना है, दूसरा पुष्प ये टॉपिक आज का रहेगा। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा कि निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, ठीक है। उसके बाद से चार नंबर आपका होगा जिसका नाम होगा पुंग केसर। माने हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुष्प का, पहले लिख देते हैं पुष्प का जनन अंग, जनन अंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुंग केसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पराग कण, माने पराग कण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे सीधे पराग कण के बाद आपका आ जाता है जिसका नाम होता है स्त्री केसर। तब आपका नौवा नंबर टॉपिक होगा गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी। फिर आपके पास होगा इसी को बीजाणु भी कहते हैं, याद रखना। तब दसवां नंबर टॉपिक जिसका नाम होगा भ्रूण कोष। दस टॉपिक आपके पास है। अब आप जरा विचार करिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पहले से, और हम लोग इसे पहले 10 टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद अगला पढ़ेंगे। इन 10 टॉपिक में से कितना आपको जानकारी है, कितना आप इसके बारे में बता सकते हैं, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। देखो, आपसे कोई पूछे कि आवृत बीजी पौधा क्या होता है तो आप कहेंगे, सुनो ध्यान से, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं उसी को कहा जाता है आवृत बीजी पौधा। याद करो, ऐसे पौधा जिसमें पुष्प खिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं आवृत बीजी पौधा। जैसे गुड़हल हुआ, तमाम प्रकार के पौधे के नाम बता सकते हैं जिसमें पुष्प खिलते हैं। अब पुष्प के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे कि पौधे का सबसे आकर्षक अंग पुष्प होता है। जो पौधे होते हैं, पौधे का सबसे आकर्षक अंग पुष्प होता है, और इसी पुष्प में पौधे का जनन अंग भी उपस्थित होता है। माने जो पुष्प होता है, पुष्प में ही पौधे का जनन अंग क्या होता है, उपस्थित होता है। तो क्या कहा गया, जो पुष्प होता है ये पुष्प पौधे का प्रमुख आकर्षक अंग होता है, और इसी पुष्प में पौधे का क्या उपस्थित होता है, जनन अंग उपस्थित होता है। निषेचन पूर्व घटनाएँ, संरचनाएँ और घटनाएँ, तो आपको याद होगा कि निषेचन से पहले जो घटनाएं पौधे के अंदर होती है उसी को हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं या संरचनाएं। निषेचन के पहले जो पौधे में घटनाएं होते हैं उसी को कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। जैसे पौधे के अंदर पुष्प का खिलना, पौधे के अंदर जब पुष्प खिलता है तो ये निषेचन से पहले की घटना है,
फिर पुष्प के अंदर अनेक हार्मोन्स का निर्माण होना, यह भी आपका होता है निषेचन पूर्व घटना है। फिर उसके बाद से जो पुष्प होता है उसको परिपक्व होना, उसको भी कहते हैं निषेचन पूर्व घटना है। फिर पुष्पों में कलिकाएं और फिर कलिकाओं के अंदर नर और मादा का विकास होना, ये सभी निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं होती है। मैंने क्या कहा कि निषेचन पूर्व निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं के बारे में कहेगा तो आप कहेंगे कि निषेचन पूर्व जो संरचनाएं और घटनाएं होती है, पुष्प पहले खिलते हैं, पुष्प खिलने के बाद उसके अंदर जो होता है प्रमुख जनन अंग का निर्माण होता है, जैसे नर हुए मादा हुए दोनों जनन अंग का पुष्प के अंदर निर्माण होता है, तो निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं कहलाती है। माने निषेचन से पहले घटनाएं होती है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद से पुष्प का जनन अंग, हम जानते होंगे कि जितने भी पौधे होते हैं पौधों में जो जनन अंग होता है वह पुष्प होता है, पुष्प में ही जनन अंग उपस्थित होते हैं। और पुष्प में जो होता है जनन अंग, अगर जो नर जनन अंग होता है जो माने पुष्प का नर भाग होता है उसमें जो जनन पाया जाता है उसको नर जनन अंग कहते हैं, और जो मादा वाला हिस्सा होता है उसको मादा जनन अंग कहते हैं। हालांकि पुष्प में जो पराग कोष होता है जो पुंकेसर होता है उसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं, और जो जयांग होता है, आपको याद होगा कि पुष्प के जो मादा जनन अंग होता है उसको जयांग कहते हैं, और जो पुष्प का नर जनन अंग होता है उसे पुमंग कहते हैं। याद जरूर रखना, पुमंग किसे कहते हैं, तो जो नर का जनन अंग जो होता है पौधा में पुष्प में उसको पुमंग कहते हैं, और जो स्त्री का जनन अंग होता है जो मादा का जनन अंग होता है उसको जयांग कहते हैं। सब आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया, सब लिखाया भी गया था आपको। उसके बाद से इसी पुष्प के अगर बात आप करें पुंकेसर की बात कर रहे हैं, तो पुंकेसर किस में पाया जाता है, तो जो नर पुष्प होता है जनन अंग का एक हिस्सा होता है पुंकेसर, जो पुंकेसर होता है वह नर जो जनन अंग होता है उसका एक हिस्सा होता है। और पुंकेसर के बाद लघु बीजाणुधानी, यह भी आप पढ़ाए थे कि लघु बीजाणुधानी भी ये नर पुष्प के जो भाग होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, नर पुष्प के भाग में पाया जाता है। और आपको याद होगा कि अगर कोई पूछते कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, तो मैंने आपको बताया था कि एक लघु बीजाणु धानी से जब नए लघु बीजाणु धानी का क्या होता है निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन। माने जो मात्र लघु बीजाणु धानी होता है उससे जब संतति लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है तो इसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अब आते हैं पराग कण के पास, तो आपको याद होगा कि जो पराग कण होता है वह पुष्प के नर भाग के अंदर पाया जाता है, जो पराग कोष होता है उसी पराग कोष के अंदर जो होता है पराग कण का निर्माण होता है। जो पराग कण होते हैं वो पाउडर के रूप में पाया जाता है, याद होगा। और यही जो पराग कण होते हैं जब पुष्प के नर जनन अंग से निकल करके स्त्री के मादा जनन अंग तक पहुँचते हैं तो निषेचन की क्रिया सम्पन्न होती है। ये पराग कण, याद रखना, पराग कण जो होते हैं वह पुष्प के जो नर जनन अंग होता है वह उसमें पाए जाते हैं, पराग कण जो होते हैं पराग कोष के अंदर पाए जाते हैं, उसी पराग कोष से ये पराग कण निकल करके जब स्त्री के मादा भाग तक पहुंचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, और तभी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तब एक नए पुष्प का निर्माण होता है। और आपको बताया गया था कि पराग कण जो होता है हानि भी करता है, याद करो, जो पराग कण होता है ये पीले रंग के होता है पुष्प के अंदर, जब पुष्प को मिसा जाता है तो हमारे हाथों पर जो पीले रंग के पाउडर आता है, मैंने पीला रंग का होता है आप देखे थे, आप इसको जो पाउडर आता है वही आपका परागकण होता है। और यही बताया गया था कि जो परागकण होता है अगर आप इसके संपर्क में आ जाए तो आपको एलर्जी हो जाती है, एलर्जी का मतलब शरीर में माने खुजली होने लगती है। हालांकि इसका बहुत माने उपयोग भी है, अगर मान ली परागकण जो होते हैं मार्केट में उपस्थित होते हैं अगर हम उसको भोजन के रूप में लें, यदि हम उसको ग्रहण करें तो हमारे पास बहुत शक्ति आ जाती है दौड़ने का, जैसे घोड़ा दौड़ता है तेज़ी से उसी तरह से हम भी दौड़ने लगते हैं। घोड़ा को अगर इसको पिला दिया जाए घोर करके तो उसके अंदर दौड़ने की क्या आती है, ताकत आ जाती है, सब आपको मैंने बताया था। तो परागण समझ गए, परागण कहाँ पाया जाता है, तो पराग कोष के अंदर पाया जाता है। और ये जो होता है परागण बहुत अधिक संख्या में होते हैं, इसी परागण को जब स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुँचाया जाता है तो परागण की क्रिया संपन्न होती है और तब एक नए पौधे का निर्माण होता है। चलो स्त्री के स्तर पर आ जाओ,
तो स्त्री के असर भी आपको पढ़ाया गया था, क्या कहा गया था कि ये मादा जनन अंग का भाग होता है ना, स्त्री के असर मादा जनन अंग के भाग होता है। और स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तीन। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होता है, बीच वाला आपका क्या होता है, क्या देखो ना सब बताया गया, यहाँ देखो देख रहे हो, ये स्त्री केसर है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को वर्तिकाग्र कहेंगे, इधर 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 पलट लो पलट लो, यहाँ पर है, ये स्त्री केसर है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका क्या है, वर्तिकाग्र है, और जो दंता के आकार के देख रहे हैं ये वर्तिका है, और सबसे नीचे वाला जो होता है अवकरा नीचे वाला पुष्पासन होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तिकाग्र क्या होता है, क्या होता है वर्तिकाग्र क्या होता है, तो आपको याद होगा वर्तिकाग्र जो होता है स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, और एक मंच का काम करता है, और यही जो होता है जो वर्तिकाग्र होता है वही जो पराकरण होता है, अपने पराकरण को अपने ओर आकर्षित करता है। याद करो जो मैंने आपको बताएगा कि स्त्री केसर के कितने भाग, तीन भाग। सबसे ऊपर क्या होता है वर्तिकाग्र, और उसके नीचे क्या होता है वर्तिका, सबसे नीचे क्या होता है अंडा से, उसके भी नीचे होता है पुष्पासन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्तिकाग्र क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे सर वर्तिकाग्र जो होता है किसी भी मन स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, और वह एक मंच का कार्य करता है, और वह क्या करता है, हाँ पराकरण को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, वही पराकरण को खींचता है। अग्र पास से वर्तिका होता है, एक वर्तिका क्या होता है सीधे वर्तिकाग्र के नीचे होता है, जो वर्तिका होता है वर्तिकाग्र का होता है नीचे होता है, और ये नली के रूप में होता है, इसी से पराकरण अंडाशय तक क्या होते हैं पहुँचते हैं। मान लो तो मंच है, वर्तिकाग्र मंच है, उस पर पराकरण आ रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं वर्तिका, इसी वर्तिका से नली होती है, इसी वर्तिका से पराकरण जो होते हैं कहाँ पहुँच जाते हैं, पराकरण अंडाशय तक, फिर अंडाशय से एक नए फल का निर्माण होता है। याद होगा कि निषेचन के बाद जो होता है अंडा से फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वह बीज में बदल जाता है। उसके बाद से चलो स्त्री केसर के बाद आपका होता है गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। आपको भी पढ़ाया गया था कि जो गुरु बीजाणु धानी होता है वह मादा, जो मादा पुष्प होता है उसके अंदर पाया जाता है, सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है बीजांड। और गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो गुरु बीजाणु जनन में आपको बताया गया था कि जब एक, याद करो कि जब एक गुरु बीजाणु धानी से नई या चार या जो भी कहिए जितने नए गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अच्छा ठीक सुनो, जब कह रहा है गुरु बीजाणु जनन, तो माने गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि एक गुरु बीजाणु धानी से जितने नए गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है उसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। भ्रूणकोश भी पढ़ाया गया था, जो भ्रूणकोश होता है वह बीजांड के सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, अब इसी भ्रूणकोश के कुछ निभाग हो गए, कुछ तरह तरह के बातें होती है, बात समझ रहे हैं। तो इतना जाने, आवृत बीजी पौधा के बारे में जाने, अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते चल रहे हैं, ठीक है ना, कि याद रखेंगे। तो ये तो आपको याद हो गया पुष्पी पाद आवृत बीजी पौधा किसे कहते हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी पौधा है, और जब उस पौधा में क्या माने कोई भी पौधा लो, अगर उस पौधा में पुष्प खिलता है, पुष्प का विकास होता है, पुष्प विकसित होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं आवृत बीजी पौधा। एक होता है अनावृत बीजी पौधा, तो अनावृत बीजी जो पौधा होता है उसमें पुष्प नहीं खिलता है, और आवृत बीजी पौधा में पुष्प क्या होता है, खिलता है, समझ रहे बात को, अब याद हुआ कि नहीं बोलो। अरे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, गुड़हल के पौधा ले लो, गेंदा के पौधा ले लो, तमाम प्रकार के जो पुष्पी पौधा लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी पौधा, ठीक है बाबू, याद होगा। माने ऐसे पौधे जिसमें क्या करते हैं पुष्प खिलते हैं उसे हम लोग आवृत बीजी पौधा कहते हैं, आपको बताया गया होगा, पुष्प के बारे में ही बताया गया होगा। अच्छा, आप 11 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था पुष्प के बारे में, पुष्प क्रम, पुष्प का सूत्र, पुष्प की संरचना सूत्र सब आपको पढ़ेंगे। यहाँ सिंपली से बात है कि जो पुष्प होता है वह पुष्प पौधे का एक आकर्षक अंग होता है, और जो पुष्प होता है पुष्प में ही पौधे का जनन अंग उपस्थित होता है, पुष्प में ही पौधे का जो स्त्री जनन अंग होता है वह भी उपस्थित होता है, और जो नर जनन अंग होता है वह भी उपस्थित होता है। तो आप पुष्प के बारे में भी बता सकते हैं। अब तीसरे का टॉपिक क्या हो रहा है, निषेचन पूर्व संरचना या घटना, ये बहुत सिंपल सी बात है। पूर्व का मतलब पहले, तो निषेचन से पहले जो घटनाएँ होती है, निषेचन से पहले जो घटनाएँ होती है, जैसे पुष्प का खिलना, पुष्प का खिलना, फिर पुष्प में कलियाँ निकलना, फिर पुष्प के अंदर पराकरण का निर्माण होना, फिर पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों का विकास होना,
इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन, पूर्व संरचनाएं और घटनाएं कहते हैं। याद करो, माने आपको मैंने कह रहा है कि निषेचन, पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, तो निषेचन से पहले जो घटनाएं होती है उसको निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं, या जो संरचना बनता है तो क्या क्या बनता है, पुष्प बनता है, पुष्प माने खिलता है, फिर उसमें कलियां खिलती है, फिर पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र का निर्माण होता है, फिर उसके अंदर परागकण का निर्माण होता है, फिर परागण के निर्माण के बाद और भी परिवर्तन उसमें होते हैं, मतलब पुष्प ऐसा तैयार हो जाता है कि उसके अंदर जनन अंग विकसित हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन, पूर्व संरचनाएँ और घटनाएँ। उसके बाद से पुष्प के जनन अंग, तो पुष्प के जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुमंग, क्या होता है पुमंग, पुमंग का होता है यह पुष्प का, हाँ, नर जननांग होता है, जननांग होता है, एकदम आराम से आप याद कर लो। पुमंग आपसे कई बार पूछा गया ना, पुमंग क्या होता है, तो पुष्प का नर जननांग होता है, सिंपल सी बात आपकी। और एक क्या होता है जायांग, क्या होता है जायांग, तो कहेंगे कि यह पुष्प का मादा जननांग होता है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है, बहुत सिंपल सी बात है। पुमंग जो होता है यह पुष्प का नर जननांग होता है, जायांग जो होता है यह पुष्प का मादा, अरे मादा देखो पुष्प त्रिलिंगी होता है तभी तो उसमें क्रिया संपन्न हो रही है जनन की, तो वही होता है कि जो पुमंग होता है यह पुष्प का नर जननांग होता है, जो जायांग होता है पुष्प का मादा जननांग होता है। अब आइए पुंकेसर के बारे में, तो एकदम आराम से आप कहिएगा कि जो पुंकेसर होता है, पहला तो ये कहिएगा कि नर जननांग का भाग होता है, किसका, नर जननांग के भाग होता है, जो पुमंग आपका होता है पुंकेसर जो होता है ये नर जननांग का भाग होता है। और भी कह सकते हैं कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुंकेसर कितने भाग, एक लंबा और एक पतला, दंठल के तंतु होता है, माने एक तो होता है पुमंग के दो भाग, एक जो होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा को पराकोष कहते हैं, बात समझ रहे हो, और उसके नीचे क्या होता है एक लंबा तंतु होता है, जैसे आपके चित्र भी बनाया गया है बाबू तनि ध्यान से, तनको माने तनको दिक्कत ना, हम तो ये कहते हैं कि आप पूरे जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप मौजबानी याद रखिए, एक बार याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना याद रखिए पुंकेसर जो होता है नर जननांग का भाग होता है, और इसकी संरचना में आप देख रहे होंगे, मान लीजिए किसी तरीके से संरचना ये बना दिए, क्या दिक्कत है, ये देखिए एक ऊपर वाला हिस्सा एक लंबा सा, तो जो ऊपर वाला हिस्सा उसको पराग कोष कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, पराग कोष कहते हैं, ये जो होता है इसको दंठल तंतु कहते हैं हम लोग, लंबा सा होता है दंठल तंतु कहते हैं। अच्छा देखो पराग कोष जो होता है द्विपालित होता है, द्विपालित का मतलब दो भागों में बांटा होता है, मैं दो पालियों में बांटा होता है, देखो ना एक यहाँ पर पाली है और एक यहाँ पर पाली है, दो पाली है ना, तो आप कह सकते हैं कि जो पराग कोष होता है वो दो पालियों में क्या होता है बांटा होता है, माने जो पराग कोष होता है द्विपालित होता है, और जो एक तो ये कहा देखे हमने कि पुंकेसर कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन, एक भाग तो ये पराग कोष है और एक भाग आपका दंठल तंतु है, पराग कोष जो है वह द्विपालित होता है, इसमें दो पालियाँ पाई जाती है, ठीक है, अब इसी पराग कोष के अंदर परागकण भी उपस्थित होता है, समझ रहे हैं बात को, जो लंबा जो दंठे के रूप में जो लंबा संरचना दिखा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दंठल तंतु कहते हैं, याद हुआ, तो पुंकेसर जो होता है नर जननांग का भाग होता है, और जो पुंकेसर होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक लंबा तंतु होता है जिसको हम लोग दंठल तंतु कहते हैं, और एक द्विपाली संरचना होती है जिसको पराग कोष कहते हैं। हालांकि तंतु का समीप वाला छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है, जैसे ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, दंठल तंतु का सबसे नीचे वाला जो सिरा देख रहे हैं हम इसको पुष्पासन कहते हैं, अभी आप देखे थे स्त्री केसर में भी, तो इसमें क्या होता है पुष्पासन उपस्थित होता है। पुंकेसरों की संख्या या लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है, जो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुंकेसर, पुंकेसर यही होता है पुमंग के अंदर पाया जाता है, तो इनकी संख्या अलग अलग, जो पौधे होते हैं अलग अलग, हमारे हर एक पौधे में तो समान होती नहीं है, गुणसूत्रों की संख्या भी अलग अलग होती है, और इनकी संख्या भी जो पुंकेसर होते हैं इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। अगर आप 10 पुष्प से एक एक पुंकेसर एकत्रित करें और इन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के अध्ययन से विभिन्न पुष्पों के पराग कोष के जुड़ाव और आकार की व्यक्तिपका को समझा जा सकता है। क्या कहा गया,
माने अगर आप कोई पुष्प उठाएं, ठीक है, और उसके पुंकेसर को आप देखें, पुंकेसर में दो हिस्सा होंगे, कहाँ का, एक पराकोष होता है और एक दंतर तंतु। तो हर एक पौधे में आप देखेंगे कि जो पराकोष का जुड़ने का तरीका है अलग है, पराकोष के अंदर जो पराकरण की संख्या वो भी अलग है, पुंकेसरों की संख्या किसी में 10 है किसी में 20 है, समय अलग अलग होती है। आपको मौका मिलेगा जब आप इसको, ये जो आप जब आगे जाएंगे, जाने के बाद जब सूक्ष्मदर्शी से आप इसको देखेंगे, जमाल लैब में बैठेंगे, जब इसका प्रयोग करेंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो आपको स्पष्ट एकदम दिखाई देगा कि कैसे कैसे इसकी संरचनाएँ होती है, आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसका पराग कोष द्विपालित होता है, एक ही बार आपको बताया जा रहा है, द्विपालित का मतलब क्या है, दो पाली है ना इसमें, याद कर लेना कि जो पराग कोष होता है वो कितना पाली होता है इसका, हाँ द्विपालित होता है, और ये द्विकोष्ठकीय होता है, ठीक है ना। हालांकि इसमें एक लंबा खाँच बीच में लगा होता है जिससे दो पालियों में क्या होता है, बट जाता है, बता सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पराग कणों की संख्या इसके अंदर पाई जाती है, सब बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि एक पराग कोष में कितने पाली होते हैं, दो, और दो पालियों में दो दो लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, कितने लघु बीजाणु धानी, दो, एक ही कोना पर एक ही कोना पर, माने चार लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, याद मानो। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पराग कोष होता है कैसा होता है, द्विपालित होता है कि एक पालित होता है, तो क्या कहेंगे, द्विपालित। फिर आपसे पूछा जाता है, बताओ इसमें लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहेंगे, चार होती है। माने जो पराग कोष होता है द्विपालित होते हैं बाबू, इसके अंदर जो लघु बीजाणु धानी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, ठीक है। लघु बीजाणु धानी अगर आप देखेंगे, कोई पूछ दे, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग इसके जगह पर लघु बीजाणु धानी के पास, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लघु बीजाणु धानी जो आप देखते हैं वह कहाँ पाया जाता है, तो पहले तो ये बात याद रखिएगा कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसमें पाया जाता है लघु बीजाणु, और एक पराकोष में, जो पराकोष होते हैं ना, एक पराग कोष में इनकी संख्या कितनी होती है, चार, चार होती है, चार, इनकी संख्या कितनी होती है, चार। अरे दूगो तो इसका वो द्विपाली संरचना है, और सब जगह पर, माने एक यहाँ पर पाया जाएगा, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, लघु बीजाणुधानी की संरचना कितनी होती है, चार होती है, याद रखना कि पराग कोष एक होता है, इसमें कितने पालियाँ होती है, दो, और इसमें कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको लघु बीजाणु की संरचना को देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, अगर इसका माने अनुप्रस्थ काट काट करके, तो आप देखेंगे कि लघु बीजाणु जो धानी होती है ये क्या होती है, गोलाकार होती है, कैसी होती है, हाँ एकदम आप याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे कि बताओ जो लघु बीजाणु धानी होती है उनकी संरचना कैसी होती है, फटाफट कह देंगे सर जब हम लोग इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो संरचना होती है गोलाकार होती है, समानतः चार भित्तियों से घिरा होता है, समझ रहे, कितने भित्ति इसमें पाई जाती है, चार भित्ति, देखो यहाँ पर संरचना भी बनाया गया, बहुत अच्छी बात आपको बताया जा रहा है। जो लघु बीजाणु धानी होता है, जैसे इसके अंदर एक ये भित्ति, एक ये भित्ति, एक ये भित्ति, चार भित्तियों से क्या होता है, घिरा होता है, याद रखना। कोई भी आपसे पूछे कि लघु बीजाणु धानी कहाँ होता है, तो आप कहिएगा कि ये नर जो पुष्प होता है उसका एक भाग होता है, और लघु बीजाणु धानी किसके अंदर पाया जाता है, पराग कोष के अंदर पाया जाता है, एक पराग कोष के अंदर कितने लघु बीजाणु, चार लघु बीजाणु धानी, और जो एक लघु बीजाणु धानी होती है उसमें कितने परत पाए जाते हैं, चार परत। क्या आपको नाम याद है चारों परत का, सबसे जो बाहरी वाला परत होता है उसका बाह्य त्वचा कहते हैं यार, क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा, और सेकेंड वाला को एंडोसियम, एंडोथेसियम, और तीसरा वाला के मध्यवर्ती, और सबसे अंदर वाला को क्या कहते हैं, टेपिटम, बात समझ रहे हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये याद रखना, इसको सबसे बाहर वाला को हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य, आज सेकेंड वाला को हम लोग कहते हैं एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, ठीक है, आ तीसरा वाला कहते हैं मध्य परत, मध्य परत, और अंदर वाला कहते हैं टेपिटम, क्या कहेंगे, टेपिटम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके पूरा चारों परत का नाम भी बता सकते हैं, लघु बीजाणु जो धानी होता है उसका, ठीक है। अच्छा, तो बताओ ये सब जो होते हैं, तीन परत जो होते हैं, वह टेपिटम को रक्षा करते हैं,
कैपिटम को क्या करते हैं? अच्छा, आपको आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कैपिटम का होता है, तो कहेंगे कि लघु बीजाणु अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर जो चार परत पाए जाते हैं उसको सबसे अंदर वाला परत होता है कैपिटम। आ ये तीनों परत कैपिटम को रक्षा करते हैं। तब एक प्रश्न आता है कि जो कैपिटम होता है वो कैपिटम का क्या कार्य होता है? तो सुनो, इसके अंदर का उपस्थित होगा? पराग कण उपस्थित होगा। का कण? ए बाबू, लघु बीजाणुधानी के अंदर वह पराग कण, देखो चित्रवा में देखा होता है, पूरा ही पराग कण इसी के अंदर उपस्थित है। तो क्या करता है? पराग कण के पोषण देता है ना कैपिटम। कई बार आपको प्रश्न मैंने पूछा भी है आपसे कि कैपिटम का क्या कार्य होता है, तो कहते हैं कि सर जो कैपिटम होता है वह पराग कणों को क्या करता है? पोषण देता है। माने पोषण का मतलब जैसे हम लोग को जीने के लिए भोजन करते हैं ना, तो वैसे ही ये पराग कणों को जीवित रहने के लिए कैपिटम इसको भोजन देता है, इसको पोषण देता है। समझ रहे हैं? और कैपिटम की कोशिकाएं भाई जीव द्रव्य से भरी होती है, और ये सब आप बता सकते हैं। ये केंद्रक युक्त होती है, मानी कैपिटम में केंद्रक पाया जाता है। ये द्वी केंद्रकीय भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से हम आपको बताए थे लघु बीजाणुधानी के बाद लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, तो ये आपको याद रखा, मिटा रहे हैं, ठीक है ना, जितने आप इसको पढ़ लिए, ठीक है। चलो, तो पहले आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन याद हो रहा है? सब बातें आपको बताई जा रही, समझ में आ रहा है? देखो, बारहवीं में स्टूडेंट है, मैंने कल भी कहा था कि जो बारहवीं की स्टूडेंट है तुरंत कैच करें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटी अब आपके है, छः सात महीने आपको बारहवीं में पढ़ना, उसके बाद से कहाँ आप चले जाएंगे पढ़ने के लिए कोई नहीं जानता। बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे, बड़े बड़े टीचर रहेंगे, बड़े बड़े क्वालिटी के साथ वहाँ पर पढ़ाई होगी। इतना सिंपली तरीके से नहीं बताया जाएगा, कब तक बताया जाएगा ऐसे? दिमाग तो बहुत हरान हो, आपका विकास करना है, समझ रहे हो? चलो, तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, कि जनन का मतलब जानते होंगे कि एक से दो का या तीन का निर्माण होना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कहेंगे कि जब एक मात्र मात्र ऐसा लिखना लघु बीजाणु धानी से, लघु बीजाणु धानी से कई नए लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। हाँ बाबू, एकदम याद कर लो, आज कभी मत भूलना इसको। कोई आपसे पूछे कि लघु बीजाणु जनन, जनन का मतलब क्या हुआ? एक लघु बीजाणु धानी से कई लघु बीजाणु धानी का निर्माण, तो मात्र माने क्या होता है? माता, मात्र माने जनक कहते हैं जिसको, आई और ही मात्र होता है। तो मात्र कभी मत लिखना बाबू, हई मात्र का मतलब केवल होता है, और ये मात्र का मतलब माता होता है, जनक जिसको कहते हैं। तो वही बात है कि जब एक मात्र लघु बीजाणु धानी से कई लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। हालांकि ये क्रिया तब होता है ना जब, देखा, धीरे धीरे पराग कोष का जब विकास होता है। लघु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है? हाँ, एकदम तो दिमाग फ्रेश, अभी बताया गया था याद, पराग कोष है, द्विपालित है, इसके अंदर चार लघु बीजाणु धानी पाए जा रहे हैं। अब मुझे बताओ कि जब इसके अंदर है, किसके अंदर है? हाँ, जब पराग कोष के अंदर है, तो जब पराग कोष का विकास होगा तो लघु बीजाणु धानी का भी विकास होगा, एकदम निश्चित रूप से विकास होगा। जैसे आप लोग जब खूब अच्छा से पढ़ेंगे तो आपके घर के छोटे बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे, बात समझे? वही है, सब इस पराग कोष के ऊपर डिपेंड है। पराग कोष जितना विकास करेगा तो लघु बीजाणु धानी भी उसके अंदर उतना ही क्या करता है? विकास करता है। एक लघु बीजाणु से कई लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो उसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखेंगे। हालांकि लघु बीजाणुधानी जो होती है उसमें चार परतें पाई जाती है, लगातार बता रहे हैं। कितने परतें पाई जाती है? फटाफट बता दो, पहला परत का नाम है बिना देखे हुए बायोट्रोफ, दूसरा का एंडोथेसियम, तीसरा का, चौथा का, हाँ चलो, वो तीनों जो बाहर वाला पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्या कार्य करती है? कैपिटम की संरक्षा करती है, मतलब सुरक्षा करती है। कैपिटम क्या क्या कर करता है? हाँ, जो लघु बीजाणु के सबसे अंदर जो पराग कण होता है उसको पोषण प्रदान करता है। फटाफट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे जो पराग कोष होता है, पराग कोष के अंदर जो होते हैं चार लघु बीजाणुधानी होते हैं, और इसी प्रक्रिया को आपको होता है, ठीक है, याद हुआ आपको? अब हम लोग आते हैं बाबू सीधे किसके पास? पराग कण के पास। किसके पास आ रहे हैं? पराग कण के पास आ रहे हैं। देखो ज्यादा ना, एक दिन में
दस टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कितने टॉपिक? दस टॉपिक। और सुनो, ऐसा भी याद हुआ पराग कण, ही पहले बताओ कहाँ पाया जाता है? पराकोश में। पहले तो ये रहा, सुनो, पराकोश द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब दो पाली होता है। और वो पाली के अंदर कहाँ पाया जाता है? देखो, पहले हम आपको बता दें कि जो पराग कण होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे सर नर युग्मक में पाया जाता है। नर युग्मक मतलब जो माने पुष्प का नर भाग होता है उसमें आपका पराग कण कहाँ होता है, पाया जाता है। पहले सुनते रहना, सब याद हो जाएगा। किसी भी आप पुष्प का पराग कोष कैसे देखेंगे? अच्छा, काहे पराग कोष की इसी तरीके से संरचना बन रहा है? ऐसा होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से देखा है और देख करके तभी किताब में छपा गया। क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस ऐसे होता है, जैसे दिखा रहे हैं कोरोना वायरस ऐसे होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों ने क्या किया कि देखा और देख करके जो WHO है उसको ये रिपोर्ट दिया गया। और WHO ने सब देशों में ये भेजा कि इसी आकार का कहीं भी अगर आपको जांच, ब्लड जांच करने के बाद या कुछ भी जांच करें, इस आकार का अगर संरचना आप दिखाई दे तो आप समझिएगा कोरोना है। अगर इससे अलग हट के दिखाई दे तो समझिएगा कोरोना नहीं। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से वैज्ञानिकों ने कहा देखा, इस तरीके उसको संरचना दिखाई दी, उसको उसने क्या कहा, परागण कहा। जो परागण होता है वो नर युग्मक भेद का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हेबिस्कस गुड़हल जिसको कहते हैं या किसी अन्य पुष्प के खुले पराकोष को छूते हैं तो आप अपने उंगली में पीले रंग के पाउडर जैसे पराकणों की को पाते हैं। एक कांच के स्लाइड पर कुछ बूंदे पानी डालकर उस पर ये पराकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पराकण विन्यास आकार रूप रंग और बनावट में भिन्न दिखाई देते हैं। सुनते रहो यार, क्या प्लट रहे हो? पराकण समानता गोलाकार होते हैं। कैसा होता है? हाँ, पराकण की एगो पराकण की संख्या तो बहुत अधिक होती है। अगर एगो निकाल लोगे ना तो ऐसे गोलाकार दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? गोलाकार दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे? पराकण। हाँ, पराकण जो देखा, परागण और पराकण में अंतर है। जो पराकण होते हैं वह गोलाकार दिखाई देते हैं। अच्छा, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। देखो एक बार और बता दें, 25 से 50 आई लिखा है माइक्रोमीटर। माइक्रो हटाओगे तो क्या लिखोगे बताओ? माइक्रो हटाओगे तो क्या लिखोगे? 10^-6 माने कहने का मतलब है कि 25 × 10^-6 मीटर लिख लो या 50 × 10^-6 मीटर, बहुत छोटा हुआ। ये कहाँ पाया जाता है? पराकण का व्यास। व्यास का मतलब इसे गोला है ना, गोला है। यहाँ से लेकर इसका आकार ले लो या ऐसे कहीं भी आकार ले लो, वही तो व्यास होता है। तो माने जो गोला होता है, गोला का चाहिए व्यास, जो भी व्यास है उसका मान 25 से 50 माइक्रोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। अब और भी कैसे, इसमें स्पष्ट रूप से दो परतें वाली भित्ति होती है। एक कठोर बाहरी भित्ति होती है जिसको बाह्य चोल कहते हैं। आई किससे बना होता है भाई? एस्पोरोपोलिनिन से याद करो। आ उसके बाद से माने सबसे माने प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। यह उच्च ताप पर भी नहीं टूटता है, समझ सकते हो? बहुत अधिक ताप भी देगा ना तब ये परत आपका नहीं टूटता है, ठीक है? कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो एस्पोरोपोलिनिन को क्या करे, काट करके निकाल दे, समझ रहे हैं? इसके अंदर एक माने अंदर की तरफ एक छिद्र होता है, माने इसी के अंदर एक छिद्र होता है जिसको हम लोग जनन छिद्र कहते हैं, समझे? जहाँ एस्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। पराकण जीवाश्मों के भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहता है क्योंकि उनमें एस्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। ये सब बाह्य चोल के बारे में दिखा रहा है, आप याद रखिएगा। पराकण के अंदर वाले एक भीति होता है जिसको अंता चोल कहते हैं। किसका बना होता है? सेलुलोज या पेक्टिन का बना होता है, याद करो। पौधे में जो कोशिका भीति होती है सेलुलोज की बनी होती है। कॉको में जो कोशिका भीति होती है काइटिन की बनी होती है, याद करना सब ये बात को। बैक्टीरिया में भी काइटिन की पाई जाती है। बैक्टीरिया जो होता है कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया को जो था मोनेरा जगत में रखा गया है। बैक्टीरिया का सबसे खोज किसने किया था? सबसे पहले रीवन हाक ने किया था। विषाणु खोज किसने किया था? अविनोवस्की ने किया था। अविनोवस्की को विषाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। रीवन हाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो पराकोण का आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। ये पतली होता है आपका, समझ रहे हो? किसके अंदर वाला परत किसके बना होता है? सेलुलोज या पेक्टिन का बना होता है।
काई कोशिका माने इसके अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है, काई कोशिका जनन कोशिका। हाँ काई कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका हाँ ये सब याद कर लेना तुम लोग। बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? मिटा के बताएं कहाँ पराकोण की एक संरचना। काई कोशिका बड़ा होता है गोल गोल, जीव द्रव्य में तैरता रहता है। हाँ तब का जीव द्रव्य न पाया जाता है उसके अंदर का वही है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य माइटो के अंदर सब पाया जाता। पहले समझ लो बाबू, एक हमारे पास हुआ पराकण, क्या उपस्थित हुआ? हाँ ये पराकण है। पराकण में कितने भीति बुला गई? दो भीति कहा पाया जाता है? बोलो कर यहाँ पर बाहर वाला भीति का क्या नाम है? बाह्य चोल कहो, बाह्य चोल, बाह्य चोल, बाह्य चोल बोलो, दिमाग नहीं है। बाह्य चोल बताए किसका बना होता है? बाह्य चोल एस्पोरो पोलेनिन, एस्पोरो पोलेनिन। नाम हंसने की बात नहीं है, कंपटीशन में आता है, पूछा जाता है कि जो आपके पास पराकण होता है उसमें कितने चोल पाए जाते हैं? तो दो चोल, बाह्य चोल अंतः चोल। बाह्य चोल किसका बना होता है? एस्पेरोपोलेनिन के बना होता है। आइए एक ऐसा पदार्थ है जिसको आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना कि जो इसको काट दे, एंजाइम इसको गला नहीं सकता है, ताप इसको जला नहीं सकता है, कितना भी अधिक ताप देंगे तभी ये नहीं टूटने वाला है। इसलिए पराकण एकदम सुरक्षित रहता है, क्योंकि बाहर चोल का है बहुत मजबूत है, बहुत कठोर पदार्थ है ये। अभी तक ज्ञात सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ में सब कौन पदार्थ है आपका? एस्पोरोपोलेनिन। और एस्पोरोपोलेनिन जो होता है वो बाह्य चोल का क्या करता है? निर्माण करता है। अंदर वाला भीति कैसी होती है बताओ? अंतः चोल यार, अंदर का तो क्या कहोगे? अंतः चोल, अंतः चोल किसकी बनी होती है? सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज या पेक्टिन दोनों से ना वाले वो होगा, या तो सेल्यूलोज या पेक्टिन। आज इसके अंदर एक बाहर छिद्र होता है, ठीक बा? जनन छिद्र कहते हैं। कौन सा छिद्र? इसी के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर दो कोशिकाएं होती है, एक बड़ा होती है एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है उसको कौन कोशिका कहते हैं? काई कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? काई कोशिका कहते हैं। हाई का होता है आपका केंद्र कोशिका कहो या जनन कोशिका, दोनों बात कहो। तो ये सब आपके पास याद होने वाला है पराकण। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़े? पराकण पढ़े। इस तरीके से भी पढ़ोगे? ये तीन वर्डिंग। चलिए कल पढ़ा जाएगा इसको।